नमस्कार। आज हम आपके सामने एक ऐसे व्यक्ति को लेकर आ रहे हैं जो कि फिलहाल सोशल मीडिया में एक सेंसेशन बनकर उभरा है, और उस व्यक्ति की सोशल मीडिया में सेंसेशन बनने की वजह भी बहुत खास है। मैं आपको बता दूं कि दसवीं के दिन माल बाजार के अंदर विसर्जन के दौरान एक दुर्घटना हुई थी, एक दर्दनाक हादसा हुआ था। उस हादसे में लगभग 8 लोगों की जाने गई और लगभग 13 लोग गंभीर अवस्था में घायल हुए, और उस दौरान एक व्यक्ति जो कि इस डिजिटल मीडिया के या सोशल मीडिया के युग में जहां लोग डूबते को बचाने की वजह उनकी तस्वीरें लेने में ज़्यादा अपने आप को महारत समझते हैं, अपने आप की महारत समझते हैं, उसी दौर में एक ऐसा व्यक्ति है जो कि वीडियो न बनाकर खुद उस खौलते पानी में, उस उबलते पानी में, मैं उबलता पानी इसलिए कहूँगा कि वह उस समय अचानक नदी के अंदर एक बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई थी। अचानक बारिश के कारण पानी बढ़ चुका था नदी के अंदर, जिसकी वजह से कई लोग अफरा तफरी में नदी में डूबने लगे थे। उस वक्त एक फरिश्ता जो कि इंसान का दूत, ईश्वर का दूत बनकर उभर कर आया था, उसका नाम है मोहम्मद मानिक। और मोहम्मद मानिक को जितनी हम तारीफ करें उतनी कम है, क्योंकि ईश्वर के एक दूत बनकर आकर और लोगों की जान बचाना अपने आप में एक बहुत बड़ा कार्य है, बहुत बड़ी समाज की सेवा है, मानवता की सेवा है। तो नमस्कार मोहम्मद मानिक, आपका स्वागत है हमारे खबर समय में। और क्योंकि खबर समय एक लोकप्रिय चैनल है, लोग इसे देखते हैं, और हम चाहते थे कि आपकी जो बहादुरी है, आपकी जो दिलेरी है, तो लोगों के सामने उभर कर आए, इसलिए हम चाहते थे कि आपका आपकी बातें लोगों तक पहुंचे कि उस दिन हादसा क्या हुआ था, आपको कैसे ये प्रेरणा मिली और आपने कैसे बचाया लोगों को। तो आप बताइए पहले कि उस दिन आप कैसे पहुंचे वहां। उस दिन हम दसवीं के दिन दुर्गा विसर्जन होता है, हम सबको जानते हैं वहाँ। वो विसर्जन के वजह से एक तो मेला भी होता है छोटा, तो हम लोग हर साल जाते हैं वहाँ। उस दिन भी गए देखने के लिए, तो जाके बहुत सारा आदमी था, मतलब मेरा जो नदी का किनार पहुँचते पहुँचते बहुत टाइम लगा। जाके खाली किनार में पहुँचा, देखता है एक मिनट के अंदर बहुत सारा आदमी, अचानक नदी का पानी भर गया है। तो वहाँ से आदमी बह के आ रहा है, तो मेरा सामने मेरा एक दोस्त था मेरे साथ, उनको मोबाइल दे के मैं एकदम नदी में झलंग लगा दिए। जगाने के बाद उनको वहाँ से आदमी को उठा के साइड में लेके गए एक एक करके। इससे में दो आदमी, एक औरत और उसका वाइफ और हस्बैंड, दोनों एक साथ, किसी को कोई नहीं छोड़ रहा था। उन लोगों को ले जाने में मेरा बहुत दिक्कत हुआ थोड़ा, फिर भी उन लोगों को भी हम लेके गए वहाँ से उठा के। उसके बाद मेरा पैर में इंजरी हो गया पूरा। तो आप तैरना जानते हैं? हम तैरना जानते हैं। कितने साल के तैराकी का अनुभव है आपको? छोटा ही से, बचपन से। उस नदी में ही तैरते थे या और कहीं आपने सीखा है? उस नदी में तैरते थे। तो उस नदी की खासियत क्या कि ऐसा पानी क्या वहाँ हर समय आता है? ऐसा पानी नहीं होता, लेकिन उसमें जब नदी बहता है ना बरसात के दिन, तो बोल्डर पत्थर बहुत सारा एक जाता है, बहुत कारण है उस नदी का। उस नदी में फिर भी हम जब वहाँ झलंग लगाए, बोल्डर जा रहा था, मतलब मेरा दिमाग में है नहीं जो बोल्डर में गिरे कहाँ गिरे, मेरा खाली दिमाग में है कि हमको आदमी को बचाना है। मेरा सामने आदमी मर रहा है, मुझे आदमी को बचाना है। उस वक्त जो वहाँ जो माहौल था, अफरा तफरी का माहौल था, हम लोगों ने भी देखा और शायद दर्शकों आपने भी देखा होगा कि एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें लोग बह रहे हैं और चिल्ला रहे हैं, काफ़ी त्राही माम मचा हुआ था। उस दौरान काफी लोग वहाँ वीडियोस भी बनाए, आप भी उस श्रेणी में शामिल थे, आप भी वीडियो बना रहे थे। मैंने कहीं सुना कि आप भी वीडियो बना रहे थे, मगर आपने छोड़ दिया वीडियो बनाना। वो चिल्लाने का टाइम में हम झलंग पड़े। तो आपको जब महसूस हुआ कि लोग डूब रहे हैं, तब आपने वहाँ छलांग मारी। तो आपने कितने लोगों को बचाया होगा अप्रोक्सीमेट? 9 से 10 होगा ऐसे, उसमें औरत भी थे, उसके बाद बुढ़ा भी थे, लड़की भी थी, बच्चा भी था। इतना कठिन होता है बिना लाइफ जैकेट लिए या बिना किसी तामझाम लिए, रस्सी के बगैर एक व्यक्ति को जो डूब रहा है उसे निकाल कर, वो भी आप कह रहे हैं कि 7 से 8 9 व्यक्तियों को आपने बचाया, बच्चे को भी बचाया, कितना कठिन था? तो मेरा याद ही नहीं था, आप लोग का टेलीकास्ट में याद हुआ। मेरा इतना पानी का प्यास आया था, मैं उसी नदी का पानी उठा के खाए थे। अच्छा, उसी नदी के पानी को आपने पिया? पिया, मेरा इतना टाइम, मतलब मेरा इतना ऐसा हो गया था। क्या आपको एक पल के लिए ऐसा नहीं लगा कि जो लोग डूब रहे हैं उन्हें डूब जाने दें, हम तो कम से कम अपनी जान बचाएं? नहीं, ऐसा मेरा दिल में नहीं आता, मेरा मन में नहीं था। मैं क्यों
मैं बचपन से अभी मेरा टीचर भी हम सोशल मैं सोशल वर्क यहाँ भी करता हूँ। मैं दो तो सोशल वर्क में हूँ, जैसे इशु किसी को समाज से भी समझता ब्लड डोनेशन कैम्प बहुत सारा मैं शामिल हूँ। तो मैं बता दूं कि हम जिनसे बात कर रहे हैं वह है मोहम्मद मानिक, जो कि माल बाजार में जो हादसा हुआ था, एक दर्दनाक हादसा हुआ था जिसमें कई लोगों की जाने गई थी, 8 लोगों की लगभग जाने गए थे, जिसमें एक बच्चा भी मरा था। उस घटना के जो बहादुरी जो दिलेरी दिखाकर मानिक मोहम्मद मानिक ने कई लोगों की जाने बचाई थी, उस मोहम्मद मानिक से हम बात कर रहे हैं। उन मोहम्मद मानिक के सामने हम रूबरू हैं और आपको बता दें मोहम्मद मानिक पेशे से एक ग्रिल फैक्ट्री चलाते हैं, ग्रिल मिस्त्री हैं पेशे से, जो कि माल बाजार के एक छोटे से गांव में रहते हैं, जहां से यह उस दिन दशहरे के विसर्जन देखने गए थे और उसी दौरान हुए हादसे में इन्होंने अपनी बहादुरी और अपनी सूझबूझ के कारण कई लोगों की जानें बचाई थी। अच्छा मानिक जी, एक चीज और था, आप उस दिन दिलेरी दिखाए आपने, ये आप एक साधारण व्यक्ति थे, वहां पर तो उस समय पुलिस की फोर्स थी, वहां के जो आपके और भी जो जनप्रतिनिधि थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनका दायित्व तो बनता था कि उस वक्त लोगों की जानें बचाए, आपको नहीं लगा कि उसमें से किसी ने भी ऐसा कार्य क्यों नहीं किया, आपने क्यों किया? हम तो जब वो सब को उठा के ले जा रहे थे आदमी को, उसी तरह बाद में जब हम देखें तो प्रशासन काम कर रहा था, फायर ब्रिगेड भी था, उन लोग उतना उठने का काम कर रहा था। मैंने आपके आने के बाद किया, आपके करने के बाद वो कर रहा था, हम उधर नहीं देखे तो कौन उठा रहा है। नहीं तो देखिए आने के वक्त तो कम से कम 50-60 आदमी आ रहा था एक बार में बैंक, उससे भी ज्यादा होगा शायद, उससे भी ज्यादा, नहीं तो 8 आदमी मरा है, नहीं तो और ज्यादा मरता, उठाया है नहीं। आपको नहीं लगता कि प्रशासन जो है उनका यह कर्तव्य बनता था कि वह भी कम से कम वहां नदी में जाए और लोगों को बचाए? प्रशासन तो किया है काम, ऐसा नहीं हम देखे, हम मेरा हाथ में तो हम देखे तो किया है। अभी आगे जो मैं झलंग के बाद मेरा कुछ याद नहीं है, जो मेरा आगे कौन है पीछे कौन है वो मेरा। आपको भी हमें पता लगा आपको भी कहीं चोट लगी थी उस दौरान, मेरा पैर में लगा, आपके पैर में चोट लगी थी, तो उसके बाद आपको भी रेस्क्यू किया गया ये सारी घटना होने के बाद? हाँ रेस्क्यू किया, मुझे एम्बुलेंस में लेके आया है यहाँ हॉस्पिटल में, माल हॉस्पिटल में, वहाँ पे मेरा ट्रीटमेंट किया हुआ है। अब लोगों का कितना प्यार मिल रहा है आपको माल बाजार में? बहुत सारा प्यार मिल रहा है, बहुत सारा फोन आ रहा है मेरे से। अच्छा। बहुत दूर दूर से फोन आ रहा है मेरे से। आपके पिताजी? हाँ पिताजी। आपके पिताजी क्या कहा इन्होंने जब आप घर पहुंचे तो आपको क्या कहा इन्होंने कि माने इनको जब पता चला कि आपने ऐसा काम किया है? बहुत अच्छा काम किया, आदमी को बचाना फर्ज है, हम लोग का इस्लाम में कहता है, मेरे पिताजी यही कहते हैं आदमी को बचाना फर्ज है। तो आप तो मोहम्मद मानिक के पिताजी हैं, आपको कैसा लगा आपके बेटे ने जो काम किया उस दिन, जो काम किया इन्होंने जो काम किया उसके लिए आप क्या कहेंगे, इन्होंने क्या अपना फर्ज अदा किया? हाँ किया, हम बहुत खुश हैं। तो उस घटना के बाद आपको खुशी हुई? बहुत खुश। हाँ। तो नहीं लगा एक पल के लिए भी कि बेटे की भी जान खतरे में है या जा सकती थी? हम भी यही सोचता है, सब अल्लाह का है, तो ये तो कोई आदमी है, वो लोग भी कोई आदमी है, तो जो दूसरा को बसाने गया तो इसको अल्लाह बसाएगा। तो आपके पिताजी भी काफी बहादुर हैं और आपकी तारीफ ही कर रहे हैं। आपके घर में जो आपकी वाइफ है या जो आपकी माँ है या जो आपके बच्चे हैं, आपके बच्चे को भी पता चला था इस घटना के बारे में? तो 3 साल का बच्चा, उसको उतना एहसास नहीं हुआ। पत्नी ने क्या कहा? पत्नी तो घर में नहीं थी, मेरा ससुराल में थी। अच्छा, तो उनको तो पता चला होगा बाद में? पता चला। क्या रिएक्शन क्या था उनका? उन्होंने बोला ठीक है, किया आदमी को बचाया, यही बोला आदमी को बचाया, अच्छा काम किया है। लेकिन हमको तो इतना बड़ा ये होगा, आदमी आएगा मेरा घर में मुझे संवर्धना देगा, ये आपने कभी सोचा नहीं था कि इतनी बड़ी घटना के बाद, माने आपने ये सोच के ही नहीं किया? सोचा भी नहीं जैसा होगा। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस घटना के बाद, आपको क्या लगा कि कैसा होना चाहिए? उस जगह पे आप मौजूद थे, आपने देखा पूरा इंसिडेंट, आपने देखा, आपने लोगों की जान बचाई, आपको क्या लगता है कि ऐसी घटनाओं को टालने के लिए क्या किया जा सकता है ताकि ऐसी घटना ना हो, या अगर हो जाए तो प्रिवेंशन के लिए वहाँ क्या होना चाहिए? वहाँ उसको वहाँ प्रोटेक्शन लेना चाहिए, प्रशासन को भी प्रोटेक्शन लेना चाहिए, जो भी जो चीज़ चाहिए वहाँ रेस्क्यू के टीम सबको वहाँ रखना पड़ेगा। रखने के बाद अगर बरसात का टाइम हो तो नदी में ना उतरने दे, ये मेरा कहना है, नदी का इधर ही रखे और प्रशासन को दे दे, उनका प्रतिमा प्रशासन को दे, प्रशासन ले जाके नदी में
उनको दे। अच्छा वहां पर क्या तैराक कोई था, मतलब जो तैरने जानता है, वैसे कुछ प्रशिक्षित लोग थे वहां पर, आपने देखा? पहचानते भी नहीं है जो तैरने वाला आदमी क्या है, कौन तो है, जो कौन क्या है, पुलिस कौन तो है और सिविल डिफेंस भी नहीं पा रहे थे, पहचान नहीं पा रहे, नहीं पा रहे। तो ये है मोहम्मद मानिक और ये बता रहे हैं कि किस तरह उस दिन घटना हुई थी। मोहम्मद मानिक, आप कितनी दूर तक आपको तैरना पड़ा था? तैरना नहीं पड़ा, दौड़ना पड़ा मुझे, नदी के अंदर ही दौड़ना पड़ा था। पानी तो उतना ज्यादा नहीं, तो बहुत ज्यादा पत्थर थे, पत्थर उतर लगा, उतना मुझे मालूम नहीं चला कहाँ पत्थर। आप एक दो दिन तक तो आपको रेस्ट करना पड़ा होगा, रेस्ट करना पड़ा है। अच्छा, अब तक कौन कौन आए आपके घर में संवर्धना देने के लिए यहाँ से, मतलब प्रशासन की ओर से कोई आया? प्रशासन की ओर से कोई नहीं आया, लेकिन पॉलिटिकल से आज आया है, पॉलिटिकल से आए जिला परिषद का, हम लोग का जिला परिषद जो है दुलाल देव, और जिला का सह सभापति दुलाल देव आज आए हैं मेरा घर में। अच्छा, वो भी आए हैं। तो हम तो ये कहेंगे मोहम्मद मानिक को कम से कम एक ऐसा सम्मान मिलना चाहिए ताकि इनके जैसे और भी जो व्यक्ति हैं, जो साहसी व्यक्ति हैं, वह भी आगे आकर कम से कम मुसीबत के वक्त में लोगों के सामने खड़े हों। हमारा भी मकसद यह है कि मोहम्मद मानिक को इसलिए आपके सामने ला रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये आज सेंसेशन बने हुए, इसलिए कि ये एक प्रतीक बनकर उभरे और इनके जैसे लोगों को हौसला भी मिले, प्रोत्साहन मिले और इनसे लोगों को भी प्रेरणा मिले। मोहम्मद मानिक, आप क्या बताना चाहेंगे, अगर आप कुछ संदेश देना चाहते हो कि ऐसी घटनाओं में, जैसे इस तरह के घटनाओं में, दुर्घटनाओं में लोगों को क्या करना चाहिए, कैसे आगे आना चाहिए, खुद को भी बचाकर लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं? मानव धर्म का तो पहली बात है, धर्म बनता है आदमी के पीछे कोई मुसीबत में पड़े उसको मुसीबत को टालना। तो ऐसा कहेंगे कोई अगर मुसीबत में, आसपास में भी कोई मुसीबत में रहे तो उसको भी देखने के लिए, खाली ऐसा ही नहीं जो नदी में खाली जाए, और भी मुसीबत होता है बहुत सारा, जैसे किसी का बीमारी उमारी चाहे सामने जाके उनको थोड़ा ट्रीटमेंट करने के लिए कुछ करे, मदद करे, ये कहना है। मोहम्मद मानिक हमारे साथ बने हुए हैं और बातचीत कर रहे हैं, और आपको एक बात जरूर बता दूं कि ध्यान रखिएगा कि इस वीडियो को जितना हो सके आप शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि मोहम्मद मानिक फेमस हो और इन्हें, इनके जो कार्य किया, इन्होंने बहादुरी दिखाई है, उस बहादुरी को सलाम करने के लिए आपके पास ये मौका है कि आप कमेंट करें और शेयर करें इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा। मोहम्मद मानिक, आप कितने पढ़े लिखे हैं? हम माध्यमिक पास किए हैं। माध्यमिक पास है, आप किस स्कूल से पढ़े हैं? अमरली हाई स्कूल। अच्छा, और मेरे साथ मेरा स्कूल टीचर भी है। अच्छा, आपके स्कूल टीचर आपके साथ है, तो आपका नाम? बुलबुल अहमद है। कैसे कैसे छात्र थे? बहुत ही प्रशिक्षित, टैलेंटेड है, और जो कोई भी इसको काम दिया जाता है वो तुरंत कर लेता है। तो बचपन में भी ऐसा कभी बहादुरी दिखाया था इन्होंने? बहादुरी हम लोग का विद्यालय का टाइम में, जब स्कूल में पढ़ा था उस टाइम का याद है हमें, जो इसको कोई भी काम देने से हम लोग को कोई परेशानी नहीं होता था, क्योंकि ये काम कर लेता था। हाँ, अभी क्या कहना चाहेंगे, ऐसा आपके स्कूल के एक छात्र ने ऐसा कार्य किया, आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे लिए तो एक मैसेज, हम लोग का स्कूल का जो छात्रों छात्राएं हैं उन लोग को मैसेज जाना चाहिए कि जैसा मोहम्मद मानिक हम लोग का स्टूडेंट जैसा काम किया है, तो भविष्य में अगर किसी को ज़रूरत ऐसा मुसीबत में पड़ता है तो सब छात्र को आगे आना चाहिए, और इसको देख के इंस्पायरिंग भी होना चाहिए, क्योंकि पहले ह्यूमैनिटी आता है बाद में रिलीजियन आता है। वही संदेश हम लोग देना चाहता है, आप लोग को तहे दिल से शुक्रिया खबर समय का आने का, संप्रचार करने का और लाइव टेलीकास्ट करने का धन्यवाद देता हूँ आप लोग को, इतना दूर से आप लोग आए हैं, और मोहम्मद मानिक का जो आज आप लोग वीडियो यहाँ पर टेलीकास्ट कर रहा है, इसके लिए तहे दिल से हम लोग को धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद आपको भी, और मोहम्मद मानिक को भी हम बधाई देना चाहेंगे, इन्होंने जो कार्य किए हैं हम अपने तहे दिल से इनको शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने मानवता के लिए बहुत कार्य किए हैं, कई लोगों की जाने बचाए, एक बड़ा कार्य है। मोहम्मद मानिक के साथ उनके दोस्त भी हैं, इनके मामा भी हैं, तो आप तो फैमिली मेंबर हैं। कई बार ऐसे हादसों में जान तो बचा देते हैं लोग, मगर फैमिली वाले उन्हें सपोर्ट नहीं करते हैं, उन्हें कहते हैं तुमने ऐसा क्यों किया। आप लोगों का क्या रिएक्शन था, आपका क्या रिएक्शन था? हमारा ऐसा यह है, ऐसा मानिक उस दिन आज दो चार रहने से आदमी क्या इतना नहीं जता रहा। ये देखिए कितनी बड़ी बात कही है इन्होंने, ये चाह रहे हैं कि ऐसे और दो चार मानिक होते तो शायद और भी लोगों की जाने बच सकती थी। ये आपकी बात बहुत सराहनीय है, मैं चाहूंगा कि ऐसे लोगों में ऐसा जज्बा रहे
ताकि इंसानियत जिंदा रह पाए लोगों के अंदर। माल बाजार में हम देखा था उस टाइम में बहुत बॉडी फिल्डर था, लेकिन वो लोग बॉडी फिल्डर था, वो लोग उस टाइम में भाग गया था, लेकिन हमारा ये हीरो मानिक नहीं भागा था उस टाइम में, आदमी को जान बचाया। ये बड़ी बात कर रहे हैं कि बहुत सारे बॉडी बिल्डर थे, बहुत दिखाने वाले थे, लेकिन काम करने वाला एक ही हीरो निकला जो कि मोहम्मद मानिक है। तो अब आप लोग क्या चाहते हैं मोहम्मद मानिक के लिए, क्या चाहते हैं? हाँ, मोहम्मद मानिक को देख के हम लोग का भी वैसा ही काम करना चाहिए, कोई अगर कोई बला मुसीबत में फंस जाएगा। आप क्या चाहते हैं कि इनको कोई रिकॉग्निशन, कोई सम्मान मिले, ऐसा कुछ चाहते हैं आपके मन में, ऐसा है? तो जरूर, आदमी लोग आता है हम लोग का खिलाफ से भी हम लोग आएगा, वो हम लोग का टीचर भी बोल दिया, स्कूल से भी आएगा, लोग को सब जगह से होगा। हाँ, सब जगह से आता है आदमी, तो सरकार को भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए मुझे। ये तो ठीक है, सही बात। तो ये हमारे साथ मोहम्मद मानिक बने हुए थे और काफी अच्छे इंसान है, और इनके जो फैमिली है वह भी काफी दिलेर फैमिली है और काफी लोगों की मदद के लिए आगे आने वाला परिवार है, और हम चाहेंगे कि इनको भी हम शुभकामना दें कि आगे आने वाले समय में भी मोहम्मद मानिक इसी तरह के काम करते रहे, समाज के लिए काम करते रहे। काफी निस्वार्थ भाव से इन्होंने ये काम किया है। तो मोहम्मद मानिक, हम अब आखिरी दौर में हैं आपसे बातचीत करने के, कोई ऐसी बात है जो आपको उस दौरान, उस पूरी घटना के दौरान लगा कि आपको लोगों को बतानी चाहिए? बहुत बार ऐसी घटना हो जाती है, हम उस दौर से निकल के आ जाते हैं, लेकिन हमें लगता है कि यह बात हमें बोलनी है, यह बात अगर हम बोलेंगे तो शायद कुछ बेहतर हो सकता है। तो कुछ ऐसी बात है जो कि मन में आप बोलना चाहते हैं? मेरा मन में बोलना चाहिए, जो प्रशासन को कहेंगे, खाली माल बाजार का प्रशासन नहीं, पूरा भारतवर्ष के प्रशासन को कहेंगे, कोई अगर ऐसा कुछ होता है जो भी हो, पहले मतलब विसर्जन नदी उदी जो भी एडिक्शन हो, पहले आप लोग प्रोटेक्शन लीजिएगा, प्रोटेक्शन लेने के बाद कुछ कीजिएगा, बिना प्रोटेक्शन में नहीं कीजिएगा। प्रशासनिक तौर लोगों का कहना था कि वहाँ लोगों ने जबरदस्ती कहने के बावजूद भी बात नहीं सुनी और पूरे भीड़ कर दें, वो मुझे मालूम नहीं है क्या है नहीं है, अभी मुझे तो ये आ रहा है, आदमी मुझे सवाल कर रहा है, तो आगे तो अगर मुझे नहीं तो आपको उस समय पता नहीं, उस समय पता नहीं थे, हम तो जाने ऐसे आदमी है ये देखने के लिए। उसके बाद आपके बेटे का नाम क्या है जो 3.5 साल का है? गुलाम यासीन। उसको क्या शिक्षा देंगे आप आने वाले समय में? मेरा जैसा आपके जैसा दिलेर बनाएंगे? वैसे बनाएंगे। डर नहीं लगेगा आपको? नहीं लगेगा डर, उसको बाप का डर नहीं है तो बेटा का क्या डर। वाह, ये बात हुई ना कि बाप को डर नहीं है तो बेटे को क्या डर है। तो इसी के साथ हम हमारे इस कार्यक्रम को का समापन कर रहे हैं, मगर आपको जरूर एक बात कहेंगे कि आप हमारे इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कीजिए और मोहम्मद मानिक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की चेष्टा कीजिए, ताकि इन्हें इनके द्वारा किए गए दिलेरी कार्य का जो सम्मान है वह मिले।